श्री जगत प्रकाश नड्डा। माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं अपने इस बजट 2024-25 के समर्थन के लिए और बजट के प्रमुख बिंदुओं के पर प्रकाश डालने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले सर, आपके तो नाम ही प्रकाश है। धन्यवाद सर, उसमें भी जगत जुड़ा हुआ है। जगत और जगत में भी जग कॉमन है, जग मेरे भी है और जग आपके भी है। दोनों प्रकाश देते हैं सर, दोनों प्रकाश देते। जब मैं इस बजट की चर्चा कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार में आने पर मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं और इस सदन के माध्यम से भारत की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। जब हम बधाई देते हैं तो हमको यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कई बार लोग नैरेटिव गलत तरीके से रखने का प्रयास करते हैं। जब मैं लगातार तीसरी बार कह रहा हूं तो लगातार तीसरी बार 60 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार चुना गया हो और उनको जनता का समर्थन मिला हो। मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 60 साल पहले जब नेहरू जी ने तीसरी बार पद संभाला था तो उस वक्त आज़ादी का एक यूफोरिया था। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान किया था और विपक्ष भी बिखरा हुआ था और विपक्ष भी कमज़ोर था। छोटी छोटी पार्टियां विपरीत दिशा में चर्चा करके पार्टियां उभर रही थीं। लेकिन ये जो 2024 का चुनाव हुआ, यह चुनाव तब हुआ जब विपक्ष भी मजबूत था और राजनीतिक दृष्टि से जब सभी लोग सक्षम रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने का सौभाग्य भारत की जनता ने दिया। यह मैंडेट स्टेबिलिटी का मैंडेट है, यह मैंडेट कंटिन्यूटी का मैंडेट है, यह मैंडेट गुड गवर्नेंस का मैंडेट है और यह मैंडेट अनफोल्डमेंट ऑफ विकसित भारत का मैंडेट है। मैं आज, क्योंकि जयराम जी ने कुछ प्रश्न उठाने शुरू किए, इसलिए मैं इस पर और आगे नहीं जाता। नहीं तो स्टैटिस्टिक्स में जाऊंगा तो मैं बता पाऊंगा कि कुछ लोग तीसरी बार लगातार कोशिश करने के बावजूद भी 100 का अंक नहीं ले पाए और सारी पार्टियां मिला लें तो भी मिला करके हमारी भारतीय जनता पार्टी से भी पीछे रहते। 13 राज्यों में 0, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 64 में 2 सीटें, 62 में बीजेपी। तो मैं अगर आंकड़े बताने लगूं तो बहुत बता सकता हूं, लेकिन यह मैंडेट फॉर स्टेबिलिटी, फॉर कंटिन्यूटी, फॉर अनफोल्डमेंट ऑफ विकसित भारत एंड फॉर गुड गवर्नेंस एंड प्रो पुअर पॉलिसीज के कारण यह हमारे को यह मैंडेट दिया गया है। यह जो बजट है, यह बजट इंक्लूसिव ग्रोथ का बजट है सभापति जी, यह बजट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बजट है और यह बजट, ध्यान से सुने, इकोनॉमिक रेजिलियंस का बजट है। आज दुनिया की सारी आर्थिक शक्तियां डगमगा रही हैं,
दुनिया की सारी आर्थिक विकसित देश की आर्थिक आर्थिक ताकतें आर्थिक स्थितियां डोलमोल हो रही हैं, लेकिन हम इकोनॉमिक रेजिलियंस के साथ कोविड 19 के पेंडेमिक के बाद अगर खड़े हैं तो यह हमारी इकोनॉमिक रेजिलियंस के बारे में बताता है। दिस बजट इज ए विजनरी बजट। ये हमारी दोनों आकांक्षाओं को पूरा करता है। एक तो यह हमारे इमीडिएट नीड्स को एड्रेस करता है और दूसरा रोबस्ट फ्रेमवर्क के तहत लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी की चर्चा करते हुए उसको आगे बढ़ाता है, यानी दूरंदेशी भी है और वर्तमान की परिस्थितियों से उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला और उसको एड्रेस करने वाला बजट है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि यह 360 डिग्री इंपैक्टफुल बजट है। यह बजट कॉम्प्रिहेंसिव है और इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट को समर्पित है। यह बजट की प्रायोरिटी क्या है? इस बजट की प्रायोरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना, उसकी नींव रखना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, सोशल वेलफेयर और उसके साथ साथ विकसित और सबके लिए समान अवसर देने वाला यह बजट है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, आगे देखने वाला बजट है। इसमें पॉलिसीज को एक्सेलरेट किया गया है जो ग्रोथ को बढ़ा सके। यह जॉब्स को क्रिएट करने वाला बजट है। यह एनहांस करता है हमारे भारत को ग्लोबल स्टार्टअप के हब की तरह, इसलिए उसको भी बढ़ाने वाला बजट है। और इस तरीके से एक बजट में सभी तरीके से यह बजट सर्वसमावेशी है, इंक्लूसिव है ग्रोथ में और सबकी चिंता करने वाला बजट है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ और सबसे इसके बारे में मैं समझता हूँ कि सब लोग सहमत होंगे मेरी बात से, जब हम बजट पर चर्चा करते हैं तो हम विद्वानों की तरह बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज का उपयोग करते हैं। ये ऊपर बढ़ गया, ये नीचे घट गया, ये दायां चला गया, ये बायां चला गया, और साधारण व्यक्ति के समझ में आए बजट मतलब ये साधारण आदमी का काम नहीं है। यानी कोई इंटेलेक्चुअल हो, कोई इकोनॉमिस्ट हो, वो चार टर्मिनोलॉजियाँ बोले, इसका इसका रेट इतना है, इसका इतना परसेंट है, और उसको जो समझने वाला हो वही बजट का ज्ञाता होता है। लेकिन मैं साधारण भाषा में बजट को बताना चाहता हूँ। बजट चाहे देश का हो, बजट मैं कई बार इस विषय को बोल चुका हूँ, बजट चाहे देश का हो, चाहे किसी प्रदेश का हो, चाहे किसी कॉरपोरेशन का हो म्युनिसिपल का, चाहे किसी संस्था का हो, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, चाहे किसी परिवार का हो, बजट तीन बातों पर निर्भर करता है। आमदनी, आमदनी की ताकत खर्चे को तय करती है, और कहीं घर में, कहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, कहीं प्रदेश में, कहीं देश में लीकेज तो नहीं है, छेद तो नहीं है, कहीं आमदनी और खर्च के बीच में हमारा जो धन है उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, इन तीन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए जिसको परिवार का बजट समझ में आता है उसी भाषा में देश का बजट भी हमको समझ में आना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूँ तो मैं इसको और भी आपके सामने कहना चाहता हूँ, साइज ऑफ द इनकम, आपका साइज क्या है? जब आपके आमदनी कम होती है आप साइकिल खरीदते हो, आमदनी बढ़ती है मोटरसाइकिल खरीदते हो, और आमदनी बढ़ती है गाड़ी खरीदते हो, फिर लग्जरी गाड़ी खरीदते हो। किस पर डिपेंड कर रहा है? आमदनी पर, इनकम पर। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इसी बात से तय होती है और देश की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इसी बात से तय होती है। द लार्जर द साइज ऑफ द इकॉनमी द लार्जर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, इस बात का डायरेक्ट रिश्ता होता है, इसको भी हमको, एंड द लार्जर द कैपेसिटी टू स्पेंड, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, खर्च जो है उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। खर्च किस पर हो रहा है?
घर पर हम खर्च किस पर करते हैं? जो सबसे कमजोर होता है। घर पर हम खर्च किस पर करते हैं? एसेंशियल चीजों पर खर्च करते हैं। ज्यादा पैसा आता है तो थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंजा हो जाते हैं, हम कंफर्ट्स पर चले जाते हैं, उससे ज्यादा पैसा आ जाता है हम लग्जरी पर चले जाते हैं। लेकिन खर्च की प्रायोरिटी हमको तय करनी पड़ती है, और वह प्रायोरिटी को तय करना वह भी एक रेजिलियंस ऑफ इकोनॉमी की बहुत बड़ी शर्त है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि लीकेज प्रूफ और लास्ट माइल डिलीवरी एश्योरेंस ये बहुत जरूरी है। मैं शब्द कांग्रेस नहीं लूंगा, लेकिन लंबे समय तक जो लोग देश पर राज करते रहे उन्होंने इन बातों पर कारगर कदम नहीं उठाए और ठोस कदम नहीं उठाए जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे, और इस कारण से आमदनी और लीकेज का बहुत गहरा रिश्ता रहा। एक समय में एक प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 85 पैसा बीच में ही खर्च हो जाता है, 15 पैसा ही पहुंचता है। अब उसके बाद आप बजट की जितनी बात कर लो वो देश के कितने हित का था वो हमको समझ में आ जाता है। आंकड़ों से देश नहीं चलता, उसके लीक प्रूफ व्यवस्था के साथ लास्ट माइल डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को डिजिटल इंडिया बनाने का काम किया गया और उसके माध्यम से, और इस कारण से 37 लाख करोड़ रुपी आज भारत के आम नागरिक के खाते में डालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी। और उसी तरीके से लीकेज पर रोक रखने के कारण 5 करोड़ फेक राशन कार्ड समाप्त हुए। 5 करोड़ कैसे चलता होगा देश, ये बजट से जुड़ा हुआ विषय है। 4 करोड़ फेक बेनिफिशियरीज ऑफ एलपीजी सब्सिडी थी वो बंद हुई। 7 करोड़ मनरेगा में बोगस नाम थे, 7 करोड़ संख्या जोड़िए। कहां बढ़ता देश, कहां जाता देश, कैसे बढ़ता देश, कितना भी कमा लो। हाँ ऑथेंटिकेट करूंगा, जी मैं ऑथेंटिकेट, यस अगेन, मैं सब कुछ जयराम जी, मैं सब कुछ माय गॉव से लेके आया हूं। नहीं नहीं, उसी तरीके से 2.5 लाख सेव्ड, ये लीकेज को रोकने के कारण टोटल बनता है 2.5 लाख गवर्नमेंट का सेव होता है। और इसी तरीके से हम बहुत प्रयास पूर्वक मोदी जी के नेतृत्व में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ला करके इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ ले गए। आपने सुना होगा ये शब्द चलते थे, कितना ऊपर से दोगे कितना अंदर से दोगे, ये साधारण शब्दावली थी। कितना कैश में दोगे कितना चेक में दोगे, ये साधारण शब्दावली थी। दिस वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे, कितना अंडर हैंड होगा कितना ओवर हैंड होगा, ये शब्दावली थी। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारी फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ी है, और फॉर्मल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसके कारण फॉर्मल इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं। आपने 1973 में बैंक्स को नेशनलाइज किया, मेरे आंकड़े सही नहीं हो सकते हैं, 3 करोड़ से लेकर के 6 करोड़ के आसपास लोग अकाउंट होल्डर्स थे। आज जनधन योजना के तहत 50 करोड़ लोग आज बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और 50 करोड़ के होने के कारण आज उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो मिल ही रहा है। 5 करोड़ बहनों को कोविड में 500-500 रुपए 3 महीने के लिए उनके अकाउंट में सीधे मिले ही मिले, ये तो बेनिफिट हुआ ही हुआ। लेकिन हमारे इकोनॉमी का, फॉर्मल इकोनॉमी का साइज भी बढ़ा, और उसके कारण आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि आमदनी के स्रोत को देखें तो टैक्स का कलेक्शन जो है फॉर्मल इकोनॉमी अग्रसर होने के तहत, टैक्स कलेक्शन जो 2014 में 6.3 लाख करोड़ था वह आज 23.37 लाख करोड़ है।
यह है बढ़ी हुई इकोनॉमी 6 लाख करोड़ से 23 लाख करोड़ पहुंचा। हमारा जीएसटी का कलेक्शन जो 2017-18 में शुरू हुआ, हम चाहते थे कि उस दिन उस रात हमारे विपक्ष के लोग भी बैठते और वो प्रणब मुखर्जी के साथ वो भी बटन दबाते और जीएसटी का टैक्स शुरू होता, लेकिन नहीं हो पाया। उस समय टैक्स का कलेक्शन जीएसटी का 7.9 लाख करोड़ था, आज 20.18 लाख करोड़ है। और इसी कारण से उसी तरीके से हमारा फिस्कल डेफिसिट वह आज 5.6% पर आकर के पहुंच गया है और सेंट्रल फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो है वो ईयर एंडिंग 2025 तक प्रोजेक्टेड है 4.9% ऑफ द जीडीपी। तो इसलिए हम जो फिस्कल डेफिसिट है उसको संभालते हुए इस बजट का 4.9% फिस्कल डेफिसिट जाएगा और हम लोगों की सेवा के दृष्टि से आगे बढ़ने वाले हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है बिग टिकट प्रोग्राम, क्योंकि जब आमदनी बढ़ती है और प्रायोरिटी क्या होती है कि जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बैठा है उसको मदद करना। बिग टिकट प्रोग्राम क्या होता है और बिग टिकट प्रोग्राम की जब मैं बात करता हूं तो आयुष्मान भारत, मुझे सौभाग्य है उस स्कीम से जुड़ने का। मैंने पहले भी कहा था सभापति जी, मैं आपके साथ और सदन के साथ शेयर करना चाहता हूं, दुनिया में एक टर्मिनोलॉजी चली हुई थी यूएचसी, यानी जो यूएचसी बोले वो बड़ा प्रोग्रेसिव। जब मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया 2015 में तो ऐसा लगा कि जैसे यूएचसी पर चर्चा ना करूं तो वो देश किसी काम का नहीं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात होती थी। और हमें खुशी है कि 2017-18 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम आयुष्मान आरोग्य भारत बना और 55 करोड़ पीपल, 12 करोड़ हमारे फैमिलीज, उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सालाना देने का तय हुआ और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने की व्यवस्था। फर्क क्या पड़ा, मैं नहीं बोल रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है, IMF बोल रहा है कि भारत की गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल आए हैं, यह उसका फर्क। मैं नहीं बोल रहा, IMF बोल रहा है कि द इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज बीन रिड्यूस टू लेस देन 1%, 1% से भी नीचे आ गया है। ये आंकड़े आते हैं। उज्ज्वला योजना की बात करें, 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता था कि लगभग 5 लाख महिलाएं बहनें जो जिनकी मृत्यु होती है वो अनक्लीन कुकिंग गैस के कारण होती, कुकिंग फ्यूल्स के कारण होती है, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। आज हेल्थ इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि पल्मोनरी डिजीजेस कम हो रही हैं और महिलाओं में कम हो रही है। ये एम्पावरमेंट ऑफ विमेन हुआ और क्या है संख्या, 10 करोड़। उसी तरीके से उजाला योजना, LED बल्ब्स, अब कई बार लोग तो बोलते हैं मिडिल क्लास का क्या हुआ, 20,000 करोड़ रुपीज का बिल में कमी आ गई। उसी तरीके से 47.78 मिलियन किलोवाट्स एनर्जी पर एनम बचाई गई, ये LED बल्ब्स। और LED बल्ब्स कितने फीट डिस्ट्रीब्यूट हुए, 36 करोड़ बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। उसी तरीके से सौभाग्य योजना, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि नए घरों में 2,60,00,000 घरों को नए गैस के कनेक्शन दिए गए, नए बिजली का कनेक्शन दिया गया और 16,320 करोड़ रुपीज उसमें खर्च हुए। तो पैसा है आया, कलेक्शन हुआ, गरीबों के लिए लगा, मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए लगा। आवास योजना की बात हम पहले कर चुके हैं, 4 करोड़ घर बना चुके हैं और अभी हम लोगों ने तय किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उन्होंने तय किया है कि पहली कैबिनेट में फैसला लिया है कि 3 करोड़ घर और बनाएंगे और उनको भी रहने की व्यवस्था की जाएगी। जल जीवन मिशन की बात करें तो 11 करोड़ टैप के कनेक्शन लगे और
IIM बेंगलोर का कहना है कि अराउंड 2 करोड़ जॉब्स विल बी जनरेटेड इसके ऑपरेशन के स्टेज पर. 2 करोड़ जॉब्स सिर्फ जल जीवन मिशन में ही क्रिएट होंगे, ये बात कही जाती है. और अमाउंट स्पेंट इज 2.68 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है. उसी तरीके से किसान योजना, अब बिग टिकट की बात करें तो हमें याद है और उस समय कहा भी गया था, एग्रीकल्चर डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम ये लाई थी 2008 में. अमाउंट क्या था? 52,000 करोड़. ये अमाउंट था 52,000 करोड़. मैंने चेक किया, मैं पहले 72 ही बोल रहा था लेकिन फिर मैंने चेक किया, ये एग्रीकल्चर डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम के आगे 52,000 करोड़ लिखा है. तो 52 ठीक है, 72 भी मान लेते हैं, मैं आपकी बात ही मान लेता हूं. लेकिन हम चैंपियन हो गए किसानों के 53,000 करोड़ रुपीज दे करके, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं. जिस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कुल मिलाकर के 3,24,000 करोड़ रुपए 17 इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपए पहुंचाए गए, 3 लाख. एंड मोर ओवर दैट वॉज अ वेवर एंड दिस इज द एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर. ये हम इम्पावर कर रहे हैं उन किसानों को, उन गरीब किसानों को, हर फसल के पहले वो बीज खरीद सके, हर फसल के पहले वो फर्टिलाइजर खरीद सके, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं. और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सभापति जी, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. और 3,24,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च किया है, जो आगे जब मैं अगला भाषण कभी दूंगा तो वो 4 लाख के आसपास पहुंचा हुआ होगा, क्योंकि हर 3 महीने पर 20,000 करोड़ रुपए जुड़ने वाले हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलने वाला है. उसी तरीके से कोविड के रिलीफ पैकेज में 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए. अब मुझे याद है जब कोविड के पैकेज की बात आई थी तो विपक्ष ने हमारे ऊपर टीका टिप्पणी की थी. क्या कहा था? कुछ इनको दे देते, कुछ इनको महीने का दे देते, कुछ इनको इस तरीके से दे देते. प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था दिस इज एन वी विल कन्वर्ट अ पेंडेमिक इंटू एन अपॉर्चुनिटी, आपदा को हम अवसर में बदलेंगे. और जब वो 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए तो वो दिए गए एम्पावरमेंट के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर्स FPOs 1 लाख करोड़ रुपए दिया गया, एम्पावरमेंट ऑफ द MSME सेक्टर उसके लिए काम किया गया. और उस समय हमें कहा गया था दिस इज अ फाइनेंशियल होक्स. लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ सभापति जी कि आज जो कोविड के बाद दुनिया की इकोनॉमीज, देश की विकसित देशों की इकोनॉमी डगमगा रही हैं और हम ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहे हैं, उसका कारण है कि उस समय की पैकेज ने हमारे को एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने की. इसलिए बिग टिकट प्रोग्राम और फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकॉनमी और ये लीकेज प्रूफ, तीनों ने हमको एम्पावर किया है और हमने जस्टिस सबके साथ करने का प्रयास किया है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है. मैं यहाँ जब बजट पर चर्चा कर रहा हूँ तो मैं न्याय नहीं कर पाऊँगा, जस्टिस नहीं कर पाऊँगा अगर मैं सिर्फ निर्मला सीतारमण जी के 23 जुलाई के भाषण के बारे में हम चर्चा करें. 23 जुलाई एक पार्ट है उसका, एक पार्ट उसका 2024 का 1 फरवरी है जो इंटरिम बजट पेश हुआ था. इन दोनों को मिला करके देखेंगे क्योंकि 5 महीने का बजट हम पास कर चुके थे, अब ये अगले 5-6-7 महीने का बजट है जिसको हम आगे लेकर के आ रहे हैं. और इसलिए जब हम बात करते हैं तो न्याय करने के लिए जो मैं कहता हूँ ये मैंडेट कंटिन्यूटी के लिए है, स्टेबिलिटी के लिए है, तो 10 साल पहले से जो कार्यक्रम चलाए गए उसकी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी में ये बजट 2024-25 का है, उसको भी हमको समझ लेना चाहिए. और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा फोकस ज्ञान पर रहा. ज्ञान मीन्स जी फॉर गरीब, वाई फॉर यूथ, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति. ये 4 पिलर्स पर हम लोगों ने अपने विकास के कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है. और इसलिए 2047 में जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमने 9-pronged स्ट्रैटेजी को भी हम लोगों ने डेवलप किया. और वो 9-pronged स्ट्रैटेजी जो है वो है, पहला प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, दूसरा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, तीसरा इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस. यहाँ सोशल जस्टिस बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय.
सभापति जी, प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सर्विस सेक्टर टू बी इन्फ्यूज्ड, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ये सब नौ बातों को ध्यान में रख करके इस बजट को कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम उसकी बात करें तो हम लोगों ने जनवरी फरवरी में, फरवरी मार्च में हम लोगों ने रूफ टॉप सोलराइजेशन की बात की थी और लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को जोड़ने का की बात की थी और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने बहुत ही शुभ नंबर निकाला था, 11,11,100 करोड़ रुपए जो है 3.4% ऑफ द जीडीपी ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को हम बूस्ट करेंगे और हम ईस्टर्न रीजन पर भी हम कंसंट्रेट करेंगे और इसी दृष्टि से हमारे जो सारे कार्यक्रम चले उसके लिए अगर हम एमएसएमई की बात करें तो एडिक्वेट फाइनेंसेस उसमें प्रोवाइड किया गया, रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाया जा रहा है, एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दी जा रही है और इसी के साथ साथ इसी बजट में हम लोगों ने कहा था कि आयुष्मान भारत में हम आशा को भी जोड़ लेंगे और हम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी जोड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन कंटिन्यूटी में हुई। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी हम लोगों का संकल्प रहा, उसको भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया और मेट्रो रेल और नमो रेल इनको भी हम आगे बढ़ाएंगे, इन बातों को हमने कहा। इंटरिम बजट में ही हम लोगों ने कहा था और उसी के कंटिन्यूएशन में सूर्य घर बिजली योजना में 1.2 करोड़ रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं और 14 लाख एप्लीकेशंस को हम लोग ने स्क्रूटनी करके उनको आगे बढ़ाया है और यह काम 3 करोड़ तक करने का हमारा निश्चय है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मैं बार बार उस समय भी कहता था अभी भी कहता हूँ, हमें समझना होगा पॉलिसी मेकिंग में बजट का क्या इंपॉर्टेंस है। और मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, 1993 में जब मैं विधायक बना तो उस समय पीडब्ल्यूडी के बजट में एक बात तो उस समय मेरी कंस्टिट्यूएंसी में 85% गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए 85%। और उस समय बजट की व्यवस्था क्या थी कि पीडब्ल्यूडी को बजट आता था, वो किसी हेड्स के तहत सब डिवाइड हो जाता था और एक्सीएन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे पास आते थे और वो हमसे कहते थे कि आप अपने प्रायोरिटी बता दो और उन प्रायोरिटीज पर हम खर्च करेंगे। बजट कुल मिलाकर के 40 लाख होता था, बहुत हल्ला कर ले तो 80 लाख तक पहुंचता था। हमारी अगर 80 सड़कें हैं तो 1-1 लाख सब में पड़ जाता था। अब आप सोचिए पहाड़ में 1 लाख में सड़क क्या बनेगी। तो हम जब एक्सीएन से पूछते थे तो एक्सीएन बोलता था, एक्सीएन मीन्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो बोलता था कि आप इसको कंसंट्रेट करके 2-3 सड़कों पर लगा दो। तो हम कोई 20-30 लाख की 2 सड़क तो 1.5 किलोमीटर निकल गई, 1 किलोमीटर निकल गई, ये दिस वॉज द स्पीड। अब 2014 के बाद स्पीड स्केल की जब बात करते हैं और उसके पहले की बात जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की करते हैं तो पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई और फुल प्रूफ स्कीम आई। और इस स्कीम के तहत रोड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट एक साथ इसकी बजटिंग की गई इन वन गो और हर कंस्टिट्यूएंसी में ऐसे ऐसे लगभग 10-10, 20-20 ऑल वेदर रोड की बजटिंग हुई। और आपको जानकर के खुशी होगी 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के आने के बाद हमारे यहाँ हमारी कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ 5% सड़क छूट गई, 95% सड़कें जो गांव सड़क से जुड़ गए, ये फर्क है। और जब मैं आपको इसकी बारे में चर्चा कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में चर्चा कर रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण सड़क योजना में 25,000 हैबिटेशंस को इस साल जोड़ने का बजट में तय किया है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि PMGSY में 1,56,000 गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ दिया गया है, ये बदलता भारत है, इसको भी हमको समझना है। उसी तरीके से पूर्वोदय में ईस्टर्न रीजन में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
इनके लिए विशेष योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है और स्पेशल अटेंशन एमएसएमई सेक्टर को दिया गया है और प्रमोशन के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को आगे बढ़ाया गया है, न्यू असेसमेंट मॉडल बनाया गया है एमएसएमई के लिए, क्रेडिट सपोर्ट के लिए हम बजट में प्रावधान किया गया है ताकि हम अपना स्ट्रेस पीरियड में हम उनको सपोर्ट कर सकें, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के तरफ ध्यान दिया गया है, इसको आगे बढ़ाया गया है। जब हम की हाइलाइट्स की बात करेंगे तो इनिशिएटिव्स टू इराडिकेट पॉवर्टी, एम्पावर द पुअर और एम्पावर द फार्मर्स, प्रोवाइड देम लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और प्रोवाइड लॉजिस्टिक एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडियन विलेजेस, हमारे भारत के गांवों को भी स्ट्रेंथन करने के लिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की बात इसमें कही गई है। फोकस है जॉब क्रिएशन पर, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विल क्रिएट क्रोर्स ऑफ न्यू जॉब्स अक्रॉस द कंट्री, इसके लिए इसमें विशेष करके फोकस ऑन स्किल्स डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है, बूस्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर जोर दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करने की बात इस बजट में कही गई है, सर्विस सेक्टर इज टू बी बूस्टेड और उसी तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एप्लीकेशन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, ये बजट के मूल प्रावधानों को रखा गया है। अब मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने को अपने से पीठ थपथपाऊँ ये उचित नहीं है, लेकिन दुनिया अगर बोलती है तो उसको हमको समझना चाहिए, और जब मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वो कह रहा है कि कंफर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड देयर इज अ स्टेबल एक्सचेंज रेट, ये वो कह रहे हैं, और उसी तरीके से IMF कह रहा है इंडिया इज नाउ फ्रॉम फ्रेजाइल इकोनॉमी टू अ ब्राइट स्पॉट। ये हम नहीं, क्योंकि हम लोग आपस में बोलते रहे उसका कोई फायदा नहीं होता, दुनिया क्या बोलती है वो महत्वपूर्ण है, IMF हमको कैसे बोलता है, IMF के पास जब हम जाते हैं तो हमसे चार बातें पूछ करके बोलता है, यू हैव डन दिस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाउ यू हैव डन, प्लीज डेमोन्स्ट्रेट, प्लीज टेल अस। आज ये स्थिति हो गई है, और एक समय ऐसा था IMF ऐसे बैठाते थे, हाँ यस व्हाट यू हैव टू से, अच्छा व्हाट प्रोजेक्ट्स यू हैव ब्रॉट, लेट अस सी, वी विल एग्जामिन एंड लेट यू नो। भारत को देखने का तरीका बदल गया, आज हमसे पूछ रहे हैं कि तुमने ये परिवर्तन कैसे लाया, ये क्यों ये परिवर्तन आया, कैसे आया, ये बोलते हैं, और वही हमको एक समय कुर्सी पर बैठा करके पूछते थे, अच्छा तुम्हारी डिमांड क्या, हम स्टडी करके बताएंगे, वो आज हमको बता रहे हैं। अब सब लोग ने कहा है कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी पहुंच गए, ये छोटी घटना है क्या, 11वें नंबर पर हम खड़े थे पिछले 10 सालों में, यानी 2009-04 से लेकर के 2014 में हम 2 नंबर खिसके, और हम छलांग लगा करके 11वें से, और किसको पछाड़ा है, ब्रिटेन को, जिसने हमको 200 साल राज किया उसको पछाड़ करके हम आज 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था में, और हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था पर जाना है, और वह आप सबके सहयोग से जाना है, आपका भी सहयोग मिलेगा, इस बात का मुझे विश्वास है। मॉर्गन स्टेनली क्या बोलते हैं, इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम 2013। मूडीज क्या कहते हैं, GDP ग्रोथ फोरकास्ट इंक्रीज इज प्रोजेक्टेड फॉर द ईयर 2024 to 8%। ग्रोथ रेट IMF इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या बोलता है, मैंने पिछली बार भी बताया था, बार बार इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हमको जब हम इकॉनमी इज ऑलवेज इन कंपैरिजन के टर्म्स में उसको देखना चाहिए, हम कंपेयर करना चाहिए। USA का ग्रोथ रेट आज जो प्रोजेक्टेड है 2.7%, जर्मनी 0.2%, फ्रांस 0.7%, जापान 0.9%, UK 0.5%, ये सारे नाम मैंने वो लिए जो विकसित देश हैं, और इंडिया 6.8%, ये हमारा ग्रोथ है, और हम वर्ल्ड के इकोनॉमी में 15% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हमारी सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स दैट हैज रिजन टू 61.1, और मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में वो इंक्रीज होकर के 58.5% पहुंच गया है। नेट फाइनेंशियल वेल्थ परसेंटेज हमारा GDP का आज 97% पहुंच गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हमारा 6 गुना बढ़ा है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 70,000 करोड़ रुपीज के बढ़े हैं, और इसी तरीके से हम मोबाइल की बात करें, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मोबाइल
92% of the mobiles were imported. Now, 97% of the mobiles are being manufactured here in India, 97%. स्टील में हम नंबर चार से नंबर दो पर आ गए हैं. हम थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन गए हैं. थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट. ऑटोमोबाइल मार्केट के बारे में, जिसके बारे में राधा मोहन अग्रवाल जी ने भी उस दिन चर्चा की, मैं बताना चाहता हूँ. ऑटोमोबाइल मार्केट मतलब हमने ऑटोमोबाइल्स में हमने खरीदी बढ़ाई है, हम तीसरे नंबर हो गए. इसका मतलब जेब में पैसा आया है तब खरीदा है ना, ऐसे तो नहीं खरीद लिया. तो इकोनॉमी में अगर पैसा नहीं हो तो कौन गाड़ी खरीदेगा. तो वह भी स्पष्ट बताता है कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको किया है. और ये सब पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि प्रो पीपल प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने का काम किया है. मेट्रो रेल की बात करें तो हम 5 शहरों से बढ़ करके 20 शहरों में पहुंच गए. हम अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो 2014 में 74 एयरपोर्ट्स थे, आज 149 एयरपोर्ट्स बन गए. मैं स्वास्थ्य मंत्री पहले भी था, आज भी हूँ. मैं स्वास्थ्य की बात ज़रूर करूँगा. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 387 मेडिकल कॉलेजेस थे. आई एम प्राउड टू डिक्लेयर दैट नाउ वी हैव गॉट 706 मेडिकल कॉलेज. The undergraduate seats was 51,348. Now the undergraduate seats are 1,08,940. Indian Institute of Technology आज 16 से 23 पहुंच गई है. IIMs आज 20 हो गए हैं. IIITs आज 9 थे 2014 में, आज वो 25 हो गए हैं. और उसी तरीके से हाईवे जो 12 किलोमीटर प्रतिदिन बना करते थे नेशनल हाईवेज, आज 28 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहे हैं. यह हमारी इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क 60,800 किलोमीटर्स पूरा हुआ है. और उसी तरीके से यह सब कुछ हुआ है जिसमें पैसा भी लगा है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति लगी है, जिसके कारण ये आकांक्षाएँ हुई हैं. और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश एक समय में एक अवस्था से गुजर रहा था, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही रहने वाला है. आज साधारण मानवी भी कहता है कि भारत आगे बढ़ा है, बदला है, बदलेगा, आगे चलेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलेगा. ये बात उसमें समझ मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन रिफॉर्म्स के का समय 2004 से 2014 तक था, लेकिन वह डिकेड, वह दशक शायद व्यर्थ चला गया. हमने उसका उपयोग नहीं किया. और उपयोग नहीं, कई बातें हैं. मैं जैसे आज ये बजट के ही सिलसिले में आप बताइए, आपने कहा कि नहीं कहा कि गांव का व्यक्ति तो डिजिटल जानता ही नहीं है, ये डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, गाँव में ये वाईफाई ला के क्या करोगे. कहा था कि नहीं कहा था, ये डिजिटल इंडिया, ये डिजिटाइजेशन क्या है, कौन ये भारत तो पढ़ा लिखा नहीं है. मैं बताना चाहता हूं कि आज हाट में बैठने वाला सब्जी वाला भी QR कोड लेकर के वो डिजिटल इंडिया में पेमेंट लेता हूं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉमन सर्विस सेंटर लाखों के हिसाब से, ये तो लाखों के हिसाब से गांव में बैठ जाइए राजीव जी, बैठ. गांव में लाखों के हिसाब से कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं. और लाखों मतलब 2 लाख 1.5 लाख से ऊपर कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं. और वहां यूथ उस कॉमन सर्विस सेंटर में बैठ करके ऑनलाइन कर रहा है. आज गांव में बैठा हुआ किसान अपनी ई नाम्स के मंडी से जुड़ करके वो किस दुनिया के और देश के, आप किसानों की बात करते हैं और स्कीम की बात करते हैं और किसानों के डिमांड्स की बात करते हैं, आज किसान कहाँ पहुंच गया है, कहाँ उसको पीछे बैक गियर में डालने का कोशिश कर रहे हैं आप. वो किसान तो अपनी उपज का जो मार्केट रेट है दुनिया में और देश में कहाँ कितना है उसको जानने का हकदार हो गया है. यह परिस्थिति आकर के खड़ी है. इसलिए मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट की बात आप कीजिए, अब उसमें भी मैं कहना चाहूँगा 2004 से 2014 तक एनुअल इन्फ्लेशन रेट 8.2% था, 8.2%. और 2013-14 के शुरुआत में वह डबल डिजिट में पहुँच गया था.
और इसके साथ साथ आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो रेट है वो इन्फ्लेशन का वो 3.3% पहुँच गया, इसको भी हमको ध्यान में रखना। उसी तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 2004 में 7.8% था और वो 2013 में 12.3% तक पहुँच गया। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो थी ईसीबी, वह यूपीए के टाइम में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 21.1% था और आज एनडीए के में एनुअल जो है वो 4.5% पहुंच गया है, उसको कंट्रोल किया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एनडीए रिजीम पहले वाजपेयी जी के टाइम पे 31% था और बाद में वो रिड्यूस होकर के 16% हो गया यूपीए के टाइम में और आज मोदी जी के गवर्नमेंट में वो 28% पर आकर के। एंजल टैक्स किस सरकार के टाइम पर आया था और किसने उसको हटाया, वह सब बातें हमारे ध्यान में हैं और उसको भी हमको समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा, कुछ ट्विटर पर मैंने देखा, अब कई बालक बुद्धि पर हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन ट्विटर पर मैंने देखा ये उद्योगपतियों का बजट है, एक ही दिन एक ही ट्वीट में ये उद्योगपतियों का बजट है, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये कॉपी पेस्ट है और ये बजट खराब है। अरे आप बोलना क्या चाहते हो भाई, आप बोलना क्या चाहते हो, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। उद्योगपतियों का बजट है, कॉपी पेस्ट है, तो आपने पेस्ट किया उद्योगपतियों का, फिर कहा खराब है, तो आपका खराब है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, अब देखिए, अब अमृत काल में इंटरिम बजट क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट सस्टेन ग्रोथ, फैसिलिटेट इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। मैंने पहले भी कहा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स और प्रमोटिंग एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने वाला है। अभी हर एक जगह से चर्चा चल रही है बजट से, क्योंकि बजट में कुछ लोग राजनीतिक बातें कर देते हैं, फिर मैं एक पार्टी का अध्यक्ष भी हूं और सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हूं तो मेरी जिम्मेवारी बनती है। आजकल कुछ लोग ओबीसी के चैंपियन बन गए हैं, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कॉपीराइट मत रखो अपने पास। आप ओबीसी के चैंपियन कब से बन गए, कब से आपने, और देखो क्या होता, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो ट्यूटर्ड स्टेटमेंट्स होती है ना, जो ट्यूटर लेते हैं यानी जिनकी ट्यूटरिंग होती है, उनको ट्यूटरिंग पूरी करनी चाहिए, आधी अधूरी करते हैं तो दिक्कत पड़ती है। अब मैं ही पूछता हूं, काका कालेलकर की रिपोर्ट किसके समय आई थी, मैं जानना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसके समय आई थी और वो कहां पड़ी थी, किस कबर्ड में पड़ी थी, केंद्र सरकार के कहां उसको धूल लग रहा था और कहां उस पर चर्चा हुई थी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर क्या कहा था राजीव गांधी जी ने लोकसभा में सितंबर 6 को, क्या कहा था, वन मैन्स ऑब्स्टिनेंसी, मंडल कमीशन रिपोर्ट इज वन मैन्स ऑब्स्टिनेंसी। और फिर आगे कहा द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी हैड रेज्ड द स्लोगन न जात पे न पात पे। आज वोटों की खातिर इतने आप ललायित हो गए हैं कि आपको आज आप ओबीसी के चैंपियन बनने लगे हैं, आप भूल गए। मैं ऐसे ही आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, आप कांग्रेस पार्टी में, आपके वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं, आप बताइए कि आपके राजीव गांधी फाउंडेशन के बोर्ड में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, आप बताइए। ये जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी यूपीए के टाइम में, नेशनल एडवाइजरी कमेटी,
इसमें कितने ओबीसी एसटी एससी थे? ये नया प्रेम जो जगह है, और ये जो अब वो मुहावरा है घड़ियाली आंसू, अब वो मुहावरा क्या कहे, वो घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलता है, ओबीसी के साथ जीना पड़ता है, ये दिखा करके काम नहीं चलता है। और हम अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कहें तो हम, चाहे वो पहली कैबिनेट थी मोदी जी की, चाहे दूसरी कैबिनेट और चाहे तीसरी कैबिनेट, सबसे ज्यादा ओबीसी एससी एसटी रहे हैं तो हमारे कैबिनेट। आजकल अग्निवीर पर अग्नि लगी हुई है, बहुत ज्यादा उसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है। आर्मी के आप बहुत बड़े हिमायती हो गए। देखिए, मैं पहले कहता हूं, नेशनल इंटरेस्ट के साथ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप ओआर, आप अग्निवीर के रिकमेंडेशंस को जरा गहराई से पढ़िए, उसके रिकमेंडेशंस को देखिए, दुनिया की आर्मी को स्टडी कीजिए, देश की आर्मी को स्टडी कीजिए। जब अटैक होगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि ये कमल को जा रहा है या ये हाथ को जा रहा है, उसकी गोली उसी तरीके से चलेगी। और इसीलिए आर्मी को हमको पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए। और ये जो फैसला लिया गया है 400 से 500 से ज्यादा मीटिंग्स और कंसल्टेशन के बाद लिया गया है, सिर्फ किसी की भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं, भारत की इस फौज को मुस्तैद करने के लिए, दुनिया की सबसे अच्छी फौज बनाने के लिए। लेकिन आज आप आर्मी के और अग्निवीर के चैंपियन बन गए और आप पेंशन की बात करने लगे। अरे 1971-72 की वन रैंक वन पेंशन में 1971-72 से मुझे नहीं मालूम कितनी सरकारें कांग्रेस की आकर के उसके बाद चली गई। द नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स विच मस्ट हैव कम एंड विच हैव मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड। क्या किया आपने? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया कि वन रैंक वन पेंशन, और आपने क्या किया था, हमारे यहां उसको बोलते हैं पायता रखना, यानी शगुन रखना। चिदंबरम साहब ने 2004 के बजट में 2014 के जाते समय पायता रखा, शगुन रखा 500 करोड़ रुपए का, वी विल लुक आफ्टर द इशू ऑफ वन रैंक वन पेंशन। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने 1,15,000 करोड़ रुपए देकर के अग्निवीरों की, तो इसलिए अग्निवीरों की चिंता मत कीजिए, उनकी पूरी चिंता हो रही है और भारत की आर्मी पूरे अच्छे तरीके से आगे बढ़ करके आएगी, इस बात को भी हम कहते हैं। अभी मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं उसको ऑथेंटिकेट कर दूंगा, कागज शायद मैं रह गया, ये MSP के बारे में। आजकल आप किसानों के बड़े चैंपियन बन गए हैं, बहुत आंसू बहा रहे हैं MSP के बारे में। मिस्टर KV थॉमस ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि MSP देना कंड्यूसिव नहीं है। यह आपने जवाब दिया है, यह आपका जवाब है, आज आप MSP के चैंपियन बन रहे हैं। मतलब ये ऐसा है क्या कि जब पाला बदल जाए तो भाषा बदल जाती है क्या? देशभक्ति तो बराबर की होनी चाहिए। लेकिन स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन में प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 50% मार्जिन, ये MSP में, दिस वॉज एक्सेप्टेड बाय नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, मैं बताना भूल गया, प्रकाश जावड़ेकर जी के 2010 के क्वेश्चन के जवाब में, रिस्पॉन्स में KV थॉमस ने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर, उन्होंने क्या कहा, द रिकमेंडेशन हाउएवर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर, डेट एंड टाइम कब कहा? इन 2010 भारतीय जनता पार्टी MP प्रकाश जावड़ेकर इन राज्यसभा हैड आस्क्ड द UPA गवर्नमेंट इफ इट हैड एनी एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वामीनाथन कमीशन रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ रेमुनरेटरी प्राइसेस टू बी पेड टू द फार्मर्स इन 2010। मैं एग्जैक्ट डेट भी निकाल करके दे दूंगा। The recommendation, however, has not been accepted by the government because MSP is recommended by the Commission for Agriculture Cost and Prices,
based on the objective criteria and considering variety of relevant factors, hence prescribing an increase of at least 50% of the cost may distort the market. A mechanical linkage between MSP and the cost production may be counterproductive in such cases. जो आपको counterproductive उस दिन दिखता था, आज आप उसके बहुत रहनुमा बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पहले कर दिया है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं एक दो विषय और भी आपके सामने रखते हुए बात को, मैं पता नहीं क्या है, मुझे थोड़ा सा लगा कि इस हाउस में कुछ ज्ञान का वर्धन उस तरफ ज़्यादा आ जाता है, जब उधर रहते हैं तो उसकी छाया ज़्यादा पड़ती है। दो महानुभावों ने उधर से भाषण दिया, वो भाषण एक पी चिदंबरम साहब ने दिया और एक भाषण हमारे सिब्बल साहब ने दिया, दोनों सीनियर एडवोकेट, दोनों ही सीनियर एडवोकेट हैं और दोनों ही, और दोनों ने ऐसा बजट पर भाषण दिया जैसे बजट के बारे में तो उनके दिमाग में क्या बढ़िया बढ़िया आइडियाज हैं, पर ये बढ़िया बढ़िया आइडियाज यहां बैठ करके क्यों नहीं याद आया था, जो वहां आ जाकर के उनको याद आने लगा। एक ने तो एजुकेशन का रिफॉर्म ही रख दिया, ये अलग बात है कि एजुकेशन रिफॉर्म शायद 34 साल बाद जब यहां मोदी जी की सरकार आई तब एजुकेशन का रिफॉर्म आया, ये बात अलग। पी चिदंबरम साहब ने कहा ये 500 कंपनियां ही क्यों जो जॉब्स के लिए इंटर्नशिप देंगी, ये इसको बढ़ा क्यों नहीं सकते। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने जानकार, उनको मालूम होना चाहिए कि कंपनी वो होंगी सिलेक्ट की जाएंगी जिनका जिनके पास इंटर्नशिप को की कैपेसिटी होगी उसको ट्रेनिंग देने की, उसके पास सीएसआर फंड्स होंगे उसको ट्रेनिंग देने के लिए। अगर इतनी भी लॉजिक समझ में नहीं आती, इतनी भी बात समझ में नहीं आती, तो मुझे लगता है कि वहां रहने से ही ज्यादा ज्ञान वर्धन होता है, वहीं रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ताकि तो ये इस तरीके से, सभापति महोदय मुद्दे बहुत हैं, मेरे साथी और भी रखने वाले हैं, कल निर्मला जी पूरी बात को रखेंगी। मैं यही बताना चाहता हूं कि यह बजट कंटिन्यूटी का 10 साल का बजट है और इस बजट में उस कंटिन्यूटी में एक लंबी छलांग है और यह छलांग इकोनॉमी को स्टेबिलिटी भी देती है, कंटिन्यूटी भी देती है और मजबूती के साथ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर के चल रही है और इसके लिए आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।